ये होगा कि वो जो है दीवार को तोड़े सामने जो है। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, जो हमारा तोप बना हुआ है उसके लिए मीडिया वाले आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर में वो जो हमारा तोप है वो कैसे चलता है और कैसे इंटरव्यू देते हैं आपको। पूरा आज अपने तोप कैसे चलाते हैं ब्लॉग में भी आपको दिखाते हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए। और कैसे हम उसको चलाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए, तो जो हमारा तोप है उसे हम लोग रखे हैं फील्ड के पास, मतलब पूरे चावर में। तो घर से हम चल दिए हैं और वहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए तोप दिखाते हैं वहाँ पे होगा फील्ड में। नमस्कार प्रणाम, अभी हम सिवान में उपस्थित है और कहा जाता है कि बिहार का लाल ने जो है किया कमाल और इनकी चर्चा जो है पूरी देश और दुनिया में हो रही है। एक लड़का है जो तोप बना दिया, आप देख सकते हैं यहीं वह तोप है जिससे फायर भी होता है और कहीं ना कहीं इसे गोला भी निकलता है और लोग जो है देखकर इसे दंग रह जा रहे हैं। तो इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन्होंने जो है तोप कैसे बनाया और क्यों बनाया। क्या नाम है आपका? सबको प्रणाम नमस्कार। और हम आज एक फिर सच दिखाने के लिए सिवान जिला पहुँचे हैं, जहाँ हमारे साथ हैं एक भाई जो कभी साइकिल बनाते हैं, कभी जहाज बनाते हैं, कभी ड्रोन बनाते हैं, कभी मोटरसाइकिल बनाते हैं और तरह तरह का चीज़ बनाकर चर्चा में बने रहते हैं। और अभी एक तोप बना दिए हैं, ये तोप ऐसा बनाए हैं कि पाकिस्तान चीन सब ये सोचकर हैरान हो जाएगा, देखेगा गरीब घर में कैसा कैसा बच्चा पैदा होता है टैलेंटेड। सबसे पहले इनका हम नाम जानते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार यादव जी। सर ये मतलब इसका इसको बनाने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जी। हम एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं, हमारा गोल अमित चैनल यूट्यूब का है जी। बराबर हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाते हैं जी, वीडियो के लिए। और हमने सोचा क्यों अब तोप बनाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने तोप बनाया है जी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग तोप बनाए हैं जी। और इसका रेंज देखने के लिए कि ये कितने दूर तक जा सकता है। कितना दूर जा सकता है? एक किलोमीटर। एक किलोमीटर, देख सकते हैं। अमित भैया का सीधे सी कहना है कि ये जो तोप बनाए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए हैं और इसका रेंज जो है एक किलोमीटर दूर तक जा सकता है। अभी हम सिवान जिला में उपस्थित है और सिवान जिला के लाल ने फिर एक बार कमाल कर दिया है। आपको हम बता दें कि सिवान जिला के ये भाई साहब हैं जिनके कारनामे जो है वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। कभी ये साइकिल बना देते हैं तो कभी मोटरसाइकिल बना देते हैं, तो अब की बार ये क्या किए हैं, तोप बना दिए हैं। और ये वही तोप जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, मतलब हर एक बॉर्डर पे इसका यूज होगा और कहीं भी दुश्मनों का जो है वो सीना खोखला बनाने के लिए ये तैयार कर दिए हैं। अक्सर आप लोग फिल्म में देखते होंगे पर ये आपके सामने आज दिख रहा है। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? अमित यादव। अमित कुमार यादव। अच्छा, सुने हैं कि आप सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, एक यूट्यूबर हैं और अच्छा। हमारे चैनल का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डाल कर रखे हैं। थोड़ा इधर से दिखाइएगा, इधर से। गोल अमित नाम है आपके चैनल का? चैनल का नाम यूट्यूब पे गोल अमित, इंस्टाग्राम पे गोल अमित YT और फेसबुक पे गोल अमित XYZ। यही सारी चीजें बनाते हैं क्या? मतलब यही सारी चीजें नहीं बनाते हैं, मतलब कभी इससे भी हटकर बनाते हैं। मोटरसाइकिल 2 तला बनाए थे, 3 तला साइकिल, लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए भी हम तरह तरह का सामान बनाते हैं जिनको अच्छा। देखकर लोगों को मजा आता है। अच्छा, देख करके और अपना जो है सोशल मीडिया पर डालते हैं। यूजफुल भी चीज़ बनाते हैं। अच्छा। ड्रोन बनाए थे 35,000 में, ड्रोन कम्प्लीट बनाए थे। अच्छा, ड्रोन बनाए थे। हाँ। उसके बाद साइकिल भी बनाए, साइकिल उसके बाद जो है आज तो बना दिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपकी शुभचिंतक सानिया के नाज में उपस्थित हूँ सिवान जिला में बरहैया के बगल में पहाड़पुर गाँव, जहाँ पे एक लड़का बोला जाए जिसका हुनर आप देखिए। एक और बात, सोशल मीडिया पर इस तोप के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, बहुत दूर से लोग मीडिया वाले भाई आ रहे हैं कि कहाँ पे एक लड़का है जो तोप बना चुका है, लेकिन ये कुछ बड़ी बात नहीं है। इस लड़का के हुनर के लेकर एक छोटा मोटा ही बात है, मैं आपको बता दूँ इसके जैसा कितना एक कारनामा किया है। और वीडियो में देखा जाए तो हर चीज़ ये लड़का बनाया है और पहले बनाने से पहले हर चीज़ बनाता है और मीडिया पर इसका वीडियो ट्रेंडिंग में चलता है। लेकिन मैं एक बात शुरू में आप लोग को बोल देना चाहता हूं, जो भी बिहार के चाहे ऑल इंडिया के पुलिस प्रशासन विभाग है ये अपना यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाता है और अपना कला को दिखाता है, हुनर को दिखाता है कि इसके भी चलते कहीं मैं आगे बढ़ जाऊँ तो लोग मुझे सपोर्ट करें तो आगे चल के मुझे कुछ काम करने का मौका मिले। पहले तो मेरा चैनल आपका स्वागत है। इसके पहले क्या क्या बनाए? इसके पहले हम 2 तल्ला मोटरसाइकिल बनाए थे, काफ़ी ट्रेंडिंग में चला, उसका व्यू कम एक वीडियो पे 124 मिलियन व्यू है। इतना व्यू गया? इतना व्यू है और 4 मिलियन लाइक है। और उसके बाद हम 3 तल्ला साइकिल बनाए थे 10 फीट ऊंचा, मतलब 3 तल्ला चक्के के ऊपर चक्का लगाए थे, 3 चक्का लगाए थे और 10 फीट ऊंचा हम साइकिल बनाए थे और उसे पूरे गाँव में हम चलाए थे। और कई सारा मतलब ड्रोन बनाए हैं, 1.5 लाख का ड्रोन 35,000 में हम बनाए थे। 1.5 लाख का ड्रोन 35,000 में बनाए थे।
अच्छा, उस बनाने के बाद उसको यूज भी किया जा सकता है? हाँ, ड्रोन को यूज कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, चला सकते हैं, जैसे आम लोग शादी ब्याह में यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से दूसरा भी बना सकते हैं, बेच भी सकते हैं, दूसरा भी बना सकते हैं, बेच भी सकते हैं। क्यों नहीं उसके दूसरा बनाए, एक ही बना के क्यों गाने दिए? तो देखिए, उस समय जो हमारा ड्रोन वाला वीडियो वायरल नहीं हुआ था और किसी का मतलब हमारे पास आया भी नहीं परचेज करने के लिए, इसलिए हम उसको बनाना छोड़ दिए। देखिए, मैं अब इसके पहले मैं आपको क्या बोली थी। तो गाइस, आज फिर से हम एक बार तोप को छोड़ने वाले हैं और यहाँ पे जो हमारा दीवाल है 5 फीट का रेडी है और आज उससे भी ज़्यादा हम दीवाल हाइट किए हैं, करीब 5.5 फीट का है। और सामने जो तोप देख रहे हैं उसमें हम आज ज़्यादा मटेरियल यूज करेंगे और आज जो दीवाल को चकनाचूर करने वाले हैं। और जो हमारा तोप है उसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, बेतिया से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं, छपरा से आए हैं, और देखिए सामने सभी लोग काफ़ी दूर से इसको देखने के लिए आए हैं। तो उन लोगों को भी फोड़ के दिखाना है, तो चलिए आपको भी आज फोड़ के दिखाते हैं कैसे हमारा जो तोप है दीवाल को तोड़ता है। चलिए देखिए, ये अपना तोप है, यही अपना तोप है, और फिर से आज एक बार हम लोग इस दीवाल को तोड़ने वाले हैं और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे आए तो चैनल को फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने तोप को चलाते हैं और दीवाल को उड़ाते हैं। यहाँ से एक बार और कैमरामैन दीवाल को दिखाइए, तो जो ये तोप है और यहाँ से उसका दीवाल का रेंज देख सकते हैं और हमने सटीक निशाना लगाया है और उस दीवाल को इस तोप से आज हम तोड़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको हम चलाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये जो हम लोग कर रहे हैं ऐसा आप लोग बिल्कुल करने का कोशिश मत कीजिएगा, इसमें खतरा है, खतरा हो सकता है। तो बस आप लोग वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बस आपको एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और जो भी हम करते हैं पूरे एक्सपर्ट के साथ करते हैं और सावधानी पूर्वक करते हैं और खाली मैदान में कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल करने का कोशिश मत कीजिएगा। बस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का ये तोप कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे जो आप देखिए एक पलीता आपको दिख रहा होगा रेड कलर का, इसी में हम आग लगाएंगे, इसी से हम लोग इसे फोड़ेंगे। चलिए इस दीवाल, तो चलिए हम इस दीवाल को उड़ाते हैं और पीछे से हट जाइए, पीछे से इधर हट जाइए, पीछे से भाई आप भी हट जाइए, पीछे से ना, और पीछे नहीं रहना है पीछे। तो गाइस यहां पे रेडी है, जो अपना गोला है कैमरामैन, कैमरामैन हमारे हरदम पीछे रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गोला सबसे पहले आया, यहाँ पर आ गया। देखिए गोला हिट भी हो गया, गोला अपना यहाँ पे आया है और देखिए मजा आया आप लोगों को। जी बहुत मजा आया, सबको मजा आ रहा है। और चलिए, और आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, जो हमारा तोप है इसका जो रेंज है और इसका जो कैपेसिटी है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।